एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक जो यूनिट फोर में है हमारी दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं दे आर इन फोर मेजर सेक्टर, चार मेजर सेक्टर हैं जिसमें हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशंस जो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी चार मेन सेक्टर्स हैं हमारे। एक तो एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल और हेल्थ केयर एंड इन एनवायरमेंट में किस तरीके से जो हम एग्रीकल्चर की एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में बायोटेक का एक बहुत बड़ा रोल है। वी ऑल नो देयर वाज अ फेज व्हेन देयर वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उससे इंक्रीज जो फूड यील्ड है वो जो संभव हो पाया था, लेकिन फिर भी इतने तौर पर नहीं कि जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उसको सस्टेन कर सकें। तो जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं ये बहुत जो हेल्प करती हैं फार्मर्स को, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को, ताकि और भी बेटर जो है एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हो पाए, उसकी यील्ड बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। कैसे? अगर हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की, हम टिश्यू कल्चर जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो टिश्यू कल्चर की मदद से क्या हो सकता है, वी आर एबल टू ग्रो डिजीज फ्री प्लांट मटेरियल फॉर क्रॉप्स, जैसे कि सिट्रस है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, बनाना है, बहुत इस तरीके के प्लांट्स और इस तरीके के एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं वो टिश्यू कल्चर की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं, जो कि डिजीज फ्री होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड क्या होगी, काफी बेटर होगी। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हमने या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या होगा, इट एड्स फार्मर्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इस तरीके के जीन्स डाले जाएंगे जो कि कैसे प्रोटीन कोड करेंगे, दैट विल प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डैमेज ऑफ वीड्स, डिजीज, इंसेक्ट्स। इस तरीके के डैमेज से वो प्लांट को बचा पाएंगे, और अगर प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स की, तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या करते हैं, इससे साइंटिस्ट जो हैं वो सेलेक्ट कर पाएंगे कुछ डिजायरेबल जीन। इट हेल्प्स टू सेलेक्ट द प्लांट्स दैट पोजेस ए डिजायरेबल जीन, यानी कि जो प्लांट हमारा इंटरेस्ट का है उसमें क्या होगा, डिजायरेबल जीन होगा, और हो सकता है वो डिजायरेबल जो जीन है वो जो है विजिबल ना हो ट्रेट। विजिबल मतलब अगर हम उसको फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली प्रेजेंट है, जीन्स तो प्रेजेंट है लेकिन वो फिजिकल अपीयरेंस या उसको हम बाहर फिनोटाइप में उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो लेकिन अगर हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मार्कर का सेट होगा तो हम क्या करेंगे, उस जीन को आइसोलेट कर सकते हैं, या उस जीन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, जिससे वो जीन जो है जो हमारे डिजायर्ड प्लांट में जा सकता है। तो ये कुछ टर्म्स थी, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, या ये कुछ हम कह सकते हैं टूल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर मार्कर, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, यील्ड को इंक्रीज करते हैं, डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंसेक्ट फ्री प्रोड्यूस कर सकते हैं, पेस्ट फ्री, या फिर हम कहते हैं कि स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारा जो टॉपिक है दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और जिनको हम बोलते हैं जीएमओ। तो जीएमओ स्टैंड्स फॉर जी फॉर जेनेटिकली, जी फॉर जेनेटिकली, एम फॉर मॉडिफाइड, ओ फॉर ऑर्गेनिजम्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स दे कुड बी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया और फंजाई, कुछ भी हो सकते हैं। दे कुड बी प्लांट, एनिमल और एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका जीन्स, जिनके जीन्स क्या कर दिए हैं हमने, मॉडिफाई कर चुके हैं, जिनके जीन हमने मैनिपुलेट करे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। यानी कि ये प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल और फंजाई, दीज देयर जीन्स हैव बीन मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमें डिस्कस करना है जीएम क्रॉप्स, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं। जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, दे आर मोर टॉलरेंट टू स्ट्रेसेस। जैसे स्ट्रेस क्या होंगे, ड्रॉट है, सूखा है, होट है, कोल्ड एनवायरमेंट,
ये कुछ इस तरीके के जो है स्ट्रेसेस हैं जो जो कि जो है जीएम क्रॉप्स हैं ऑलरेडी इनसे क्या होंगे टॉलरेंट, इनको टॉलरेट कर सकते हैं, दे आर मोर पेस्ट रेजिस्टेंट। अगर पेस्ट रेजिस्टेंट होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या फिर प्लांट को डैमेज कम होगा पेस्ट से। और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दे हैव टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि कटाई के बाद या जब हमारा जो प्लांट है वो तैयार हो गया है, जो हमारी फसल तैयार हो गई है, तैयार होने के बाद जो बहुत सारे लॉसेस हैं स्टोरेज के वक्त, उनको जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं। दे हेल्प्स टू इंक्रीज मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स की मिनरल को यूज करने की क्षमता है, जो एबिलिटी है, एफिशिएंसी है, उसको जो है जीएम क्रॉप्स इंक्रीज करते हैं। और अगर इस तरीके से वो हेल्प करते हैं प्लांट को मिनरल यूसेज में, तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है इम्प्रूव्ड रहेगी, इंक्रीज रहेगी, सॉइल जो इरोजन है वो एग्जॉस्ट, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो एग्जॉस्ट नहीं हो पाएगी। दे हैव एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि हम अपनी पसंद से कई बार कोई जीन ऐसा डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप में जो कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करे। वो हम सबने पढ़ा है विटामिन ए एनरिच्ड राइस, जिसको हम गोल्डन राइस भी बोलते हैं। इसको गोल्डन क्यों बोला जाता है, गोल्डन इसलिए नहीं कि इसमें गोल्ड है या कलर, गोल्डन इसलिए है बिकॉज इसके अंदर विटामिन ए का अमाउंट ज्यादा होता है, इसीलिए इसको गोल्डन राइस बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है, गोल्डन। तो एक जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का, दैट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीटी कॉटन का मतलब क्या है, इट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉटन। कॉटन कैसा, जो ट्रेडिशनल हमारा प्लांट होता है, जो आम कॉटन का प्लांट था, उसको जब हमने जेनेटिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से उसको मैनिपुलेट करा, उसके जीन्स को चेंज करा, तो ऐसे क्रॉप को हमने बोल दिया बीटी कॉटन। अब देखो बीटी कॉटन होता क्या है, इन बीटी, बीटी बी स्टैंड्स फॉर बैसिलस एंड टी स्टैंड्स फॉर थुरिंजियनेसिस, ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया के अंदर क्या खास बात है, दिस बैक्टीरिया, एक ये जो बैक्टीरिया है अपनी जो लाइफ फेज है या अपनी ग्रोथ के दौरान एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, इट फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ टॉक्सिन ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ फेज, यानी कि अपनी जो लाइफ फेज के दौरान या लाइफ साइकिल के दौरान ये बैक्टीरिया क्या करता है, क्रिस्टल्स को सिक्रीट करता है, टॉक्सिन को क्रिस्टल्स की फॉर्म में सिक्रीट करता है। अब ये जो टॉक्सिन है वो क्या करता है, ये जो टॉक्सिन जो कि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ये टॉक्सिन किल करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि टोबैको बर्डवर्म को, फ्लाइज को, बीटल्स को, कुछ मॉस्किटोज भी। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, किल कर सकता है। तो अब जो ये बैक्टीरिया है, ये तो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ के लिए इन टॉक्सिन्स को सिक्रीट करता है। तो अब इन टॉक्सिन्स को जब ये सिक्रीट करता है, इन टॉक्सिन की मदद से ये सारे इंसेक्ट्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। अब ये इंसेक्ट जब किल हो जाते हैं, तो अब इसको हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्हीं बीटी टॉक्सिन जीन्स को आइसोलेट कर लिया बैक्टीरिया से। तो इन बीटी टॉक्सिन जीन्स को जब आइसोलेट करा बैक्टीरिया से, उन्हीं जीन्स को किसके अंदर डाल दिया, दूसरे क्रॉप्स में डाल दिया, जैसे कि कॉटन के अंदर। तो जीन जो है ऑलरेडी प्रेजेंट था इस बैक्टीरिया में, बैसिलस थुरिंजियनेसिस, इस बैक्टीरिया में ऑलरेडी एक जीन प्रोड्यूस था जो कि एक प्रोटीन कोड करता है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। किस लिए टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, ताकि वो इंसेक्ट या मॉस्किटो फ्लाइज जो इस पर अटैक करेंगे वो किल हो पाए। तो साइंटिस्ट ने उसी को यूज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्या किया, उसी जीन को आइसोलेट कर लिया जो कि इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है। और उस जीन को किसने इनकॉर्पोरेट कर दिया, प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया, जैसे कॉटन है। तो कॉटन जो है अब क्या हो गया कि डिजीज, अब क्या हो गया, वो रेजिस्टेंट हो गया, किससे रेजिस्टेंट हो गया, इन डिजीज से या इन जो है इंसेक्ट से वो रेजिस्टेंट हो गया। लेकिन जो बीटी टॉक्सिन्स है, यानी कि जो ये बीटी टॉक्सिन जो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि एक जीन एक इंसेक्ट के लिए, दूसरा जीन दूसरे इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इस तरीके से जो हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉटन का प्लांट, यानी कि कौन सा बीटी टॉक्सिन हम प्लांट में कॉटन में इनकॉर्पोरेट करें, ताकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या आ पाए, रेजिस्टेंस आ पाए। अच्छा, एक चीज और ये डिस्कस करने की है,
अनदर थिंग इज कि ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करा है, ये जो बीटी टॉक्सिन, जो ये बैसिलस, जो ये बीटी टॉक्सिन, द बीटी टॉक्सिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है बीटी टॉक्सिन, तो ये बीटी टॉक्सिन इस बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करता? यानी कि जो ये टॉक्सिन इतना ज्यादा ये जो है लीथल है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल करता है, तो ये बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करता? क्योंकि जब बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस इट इन इनएक्टिव फॉर्म, बैक्टीरिया इसको इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब क्या है? प्रोटॉक्सिन। टॉक्सिन पूरी तरीके से टॉक्सिन में तैयार होने से पहले की जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। तो जो बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव फॉर्म होती है जिसको हमने प्रोटॉक्सिन बोला। अब ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव कब होगा? प्रोटॉक्सिन बिकम्स एक्टिव व्हेन एन इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट जैसे ही इस प्रोटॉक्सिन को इंजेस्ट करेगा, इंसेक्ट इंजेस्ट। अब ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव कब होगा? जब कोई भी इंसेक्ट इस टॉक्सिन को क्या कर लेगा? इंजेस्ट कर लेगा। इंजेस्ट करने के बाद हमारे जो सॉरी बैक्टीरिया या जो इंसेक्ट है उसके स्टमक का पीएच कैसा होता है? एल्केलाइन। एल्केलाइन पीएच चाहिए इसको एक्टिव होने के लिए, और एल्केलाइन पीएच कहाँ मिलेगा? स्टमक या गट में मिलेगा। तो जो इंसेक्ट जो पीएच एल्केलाइन पीएच के अंदर क्या होगा कि ये प्रोटॉक्सिन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा? एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल जो सेल्स है उनके अंदर पोर क्रिएट करेगा, पोर क्रिएट करेगा, स्वेलिंग आ जाएगी और जो सेल है वो लाइस हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, जो बीटी टॉक्सिन है, जो बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है, वो इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में। प्रोटॉक्सिन को एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? एल्केलाइन पीएच चाहिए। एल्केलाइन पीएच कब मिलता है? जब कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट कर लेता है तब ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद ये टॉक्सिन क्या करता है? एपिथेलियल सेल्स के अंदर पोर क्रिएट करता है, पोर क्रिएट करने के बाद सेल क्या हो जाता है? लाइस हो जाता है। अब हमने जो बीटी टॉक्सिन की बात करी थी कि कई तरीके के जीन्स हैं जो कि क्या करते हैं इसको, अलग अलग इंसेक्ट जो हैं बीटी टॉक्सिन स्पेसिफिक हैं, जैसे कि क्राई जो जीन, जो कि जीन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं क्राई जीन, CRY। तो क्राई जीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्राई जीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस जो करते हैं जीन्स उनको हम क्राई जीन्स बोलते हैं। अलग अलग तरीके के क्राई जीन है, जैसे कि अगर हम करें CRY1AC, CRY1AB, इस तरीके के क्राई जीन्स हैं हमारे पास। ये जो क्राई जीन्स हैं ये क्या करेंगे, ये जैसे ये क्राई जीन है ये किसको कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल फ्रॉम इट कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, इट कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो जो ये क्राई जीन्स हैं ये क्या होते हैं? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक हैं। अलग अलग इंसेक्ट ग्रुप के लिए अलग तरीके के क्राई जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्राई जीन जैसे क्राई A1C है, ये क्या करेगा? कॉटन बॉलवर्म को प्रिवेंट करता है। क्राई 1AB जो जीन है इट कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो हमें अपने कॉटन प्लांट के लिए किस तरीके की प्रोटेक्शन चाहिए, किस इंसेक्ट से प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए हम वही स्पेसिफिक जो जीन है उस प्लांट के अंदर क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, जिससे कि हमारा प्लांट क्या हो जाए? वो रेजिस्टेंट हो जाए इन पर्टिकुलर इंसेक्ट से।